स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड ओके इंटेक्स क्वेश्चंस वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन ओके यहाँ तक हमने देख लिया था। अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, व्हाट आर द टू प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच इनेबल कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन एटम फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम्स टू फॉर्म न्यूमेरियस कंपाउंड। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड नोन टू द केमिस्ट वॉज रिसेंटली एस्टिमेटेड अबाउट 3 मिलियंस। कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, टू फैक्टर नोटिस ऑफ दिस केस बिलो। ओके अभी देखो इसमें क्या बोला गया है कि रिसेंटली केमिस्ट से हमको पता चला कि कार्बन के जो कंपाउंड है ना वो 3 मिलियंस से भी ज़्यादा है। कितने? 3 मिलियन से भी ज़्यादा है। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड जो है वो 3 मिलियन से भी ज़्यादा है। कार्बन एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, तो एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं और एक दूसरे के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फिर है कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन कैटेनेशन। कार्बन की यूनिक एबिलिटी क्या है? वो बॉन्ड फॉर्म करता है। क्या करता है? बॉन्ड फॉर्म करता है विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। कार्बन कंपाउंड कंजिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन एंड कार्बन और रिंग चेन। तो कार्बन में कौन कौन से है? एक तो है स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट तो कार्बन में स्ट्रेट दिखाया हुआ है स्ट्रेट चेन के फॉर्म में, तो ये स्ट्रेट चेन दिखाया हुआ है। फिर ब्रांच, तो सेकंड ब्रांच वाइज कार्बन दिया है। देखो एक के साथ में ये चेन, चेन में से एक ही लाइन में चलेगा, फिर ये हॉरिजॉन्टल भी चलेगा वर्टिकल भी चलेगा, और लास्ट है साइक्लिन, तो ये साइक्लिक दिखाया हुआ है 3 का 1 2 3। ओके फिर ये है 4 कार्बन रिंग में दिखाया हुआ है, 5 कार्बन रिंग में है, 6 कार्बन, तो ऐसे ऐसे करके स्ट्रेट में फिर चेन में और रिंग में ऐसे ऐसे कार्बन देखने को मिल सकते हैं। कार्बन एटम मे बी लिंक्ड विथ अदर एटम्स बाय सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन एटम्स जो है वो लिंक होते हैं दूसरे एटम के साथ में सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड में। कंपाउंड ऑफ द कार्बन विच आर लिंक्ड बाय वन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स एंड नॉन सैचुरेटेड कंपाउंड। ओके तो सिंगल बॉन्ड के बीच में जो कंपाउंड जो लिंक किया हुआ होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। कंपाउंड ऑफ द कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड। ये हम पीछे पढ़ने ही वाले अल्केन अल्किन अल्काइन। तो ये सैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेशन में आएगा, सैचुरेटेड में, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड में आएगा। ओके नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ द कैटेनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन द कार्बन कंपाउंड। सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विथ द हाइड्रोजन विच हैव चेन और अप टू 7 or 8 एटम्स, बट दिस कंपाउंड इज वेरी रिएक्टिव। ओके कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग एंड स्टेबल। ये कैसा है? वेरी स्ट्रांग भी है और स्टेबल भी है। सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल टू बॉन्डिंग विथ 4 अदर कार्बन। ओके तो कार्बन की कैपेबिलिटी कितनी है? 4 कार्बन के साथ में वो बॉन्ड बना सकता है। कंपाउंड ऑफ द कार्बन आर फॉर्म विथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन एंड मैनी अदर एलिमेंट्स गिविंग राइज टू कंपाउंड विथ द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विथ डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स अदर देन द कार्बन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ओके तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन इन सब के साथ में बॉन्ड बना सकता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कार्बन विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रांग विच मेक्स कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। क्या बनाता है? स्टेबल बनाता है। ओके कार्बन बींग स्मॉल इन साइज इट इनेबल टू न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर पैड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, हिंस स्ट्रांग बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय कार्बन। यहाँ पे कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? स्ट्रांग फॉर्म बनाता है। ओके ये हो गया कार्बन की टेट्रावेलेंसी। फिर विच पोस्ट्यूलेट वॉज डिस्प्रूव्ड बाय हुलर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। कार्बन एटम पजेसिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टेट्रावेलेंसी एंड कैटेनेशन एंड ड्यू टू दिस इट फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ओके अमंग दिस मैनी कंपाउंड हैव द सेम नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू डिफरेंट कार्बन चेन। दिस कंपाउंड वेर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंस। ओके ये किससे आते हैं? नेचुरल सब्सटेंस से ये कंपाउंड आते हैं। इट वॉज बिलीव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड ओनली बी फॉर्म्ड विथ अ लिविंग सिस्टम, दैट इज इट वॉज
पोस्टुलेटेड दैट वाइटल फोर्स वॉज नेसेसरी फॉर दैट सिंथेसिस। जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक होलर डिस्प्रूव दिस इज 1826। तो 1826 में देखा था। तो एक एग्जाम्पल दिया है, ही प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया और फिटिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड एमोनियम साइक्लेट। तो एमोनियम साइक्लेट दिखाया हुआ है आपको, इसको जलाया तो इसमें से यूरिया मिल रहा है, तो NH2 NH2 और ये सी और डबल बॉन्ड ओ। ये हम डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाला हम पीछे देखेंगे। सिंगल बॉन्ड मीन्स सेचुरेटेड और ये डबल बॉन्ड मीन्स अनसेचुरेटेड। तो एमोनियम साइनाइट, तो एमोनियम साइनाइट मीन्स NH4+O-NC। तो ये होगा एमोनियम साइनेट। और उसको जब भी हम प्रोसेस करेंगे डेल्टा डेल्टा मीन्स उसको जलाएंगे तो NH2 NH2 बोथ साइड, तो एमोनियम कंपाउंड हो गया, तो NH2 NH2 बोथ साइड, बीच में C और C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड O आएगा वो पीछे हम देखेंगे। ये कार्बोक्सिलिक एक कंपाउंड है वो हम पीछे देखेंगे। ओके, ये हो गया टेट्रावेलेंसी।